हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वामिक। वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने नया वीडियो लेके आया हूं वेट गेन के ऊपर। इफ आपको वेट गेन करना है तो अच्छी अच्छी रेसिपी आपको खानी पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा खाना है। लेकिन आपको वेट गेन करना है तो अच्छी चीज मतलब आपको नए नए रेसिपी भी बनाने पड़ेंगे। तो उसी तरीके से मैंने एक रेसिपी लाया हूँ, दलिया की रेसिपी। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और बहुत टेस्टी है। इफ उसको बार बार भी खा सकते हो। आपको दलिया को ये अर्ली मॉर्निंग में लेना है, ब्रेकफास्ट के टाइम पे। ये आपका ब्रेकफास्ट मील होगा, बहुत हैवी मील होगा और बहुत सही मील होगा। इफ ये आप वर्कआउट के बाद भी ले सकते हो। इफ आप उसको ऐसा भी कर सकते हो, एक बार दलिया अच्छा खासा बना के उसको फ्रिज में रख के फिर उसको बार बार आप खा सकते हो। ये बहुत ज्यादा टेस्टी और बहुत हेल्दी है। इसमें आपको सबसे अच्छा प्रोटीन भी मिलेगा। आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, और आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो आपके लिए लाऊं तो कमेंट करके भी बता देना। चलो स्टार्ट करते हैं दलिया की रेसिपी, देखते हैं हम किस तरीके से उसको बनाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हम बनाएंगे दलिया। ये बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी रेसिपी है, बहुत इजी रेसिपी। इतनी इजी रेसिपी कोई नहीं देगी। आपका ये ब्रेकफास्ट सबसे इजी ब्रेकफास्ट रहेगा। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें घी। आप बटर भी डाल सकते हो, तेल भी डाल सकते हो, लेकिन मैं घी इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अच्छी तरीके से दलिया में मिक्स हो जाए, नहीं तो नीचे वो जल जाएगा। ये ज़्यादा भी आपको घी नहीं डालना है, जितना आपके जितना बना रहे उसके हिसाब से डालना। मैं 100 ग्राम बना रहा हूँ, उसकी वजह से बहुत थोड़ा ही डाल रहा हूँ क्योंकि सिर्फ उसमें मिक्स होने के लिए, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि अब पूरा अच्छी तरीके से आपको घी को मिक्स होने देना है, देन उसके बाद हम इसके ऊपर दलिया डालेंगे। दलिया में आपको 100 ग्राम दलिया लेते हो, उसमें आपको 340 कैलोरीज मिलेगी और 12 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। ये आपके बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आपके प्रोटीन सोर्स बहुत ज़्यादा इसमें मिलेगा। और ये वेट गेन के लिए भी बहुत अच्छा है, और वेट लॉस के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कि नहीं सिर्फ वेट गेन करना है तो आपको यूज़ करना है, क्योंकि देखो हम इसमें शुगर नहीं यूज़ करेंगे, शुगर की जगह हम जैगरी यूज़ करेंगे। देखो मैंने 100 ग्राम दलिया डाल दिया हूँ, 100 ग्राम से थोड़ा कम लिया हूँ मैंने, क्योंकि इसमें मैंने ज़्यादा नहीं, अकेले के लिए बना रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा ही ले रहा हूँ। अच्छी तरीके से मैं घी में पूरा मिक्स कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं गाइस, पूरा आपको अच्छी तरीके से घी में मिक्स करना है, क्योंकि बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, सिर्फ दलिया ऐसे ही सूखा सूखा रहता है, जिसकी वजह से वो कड़कपन होता है और टेस्ट में बहुत मज़ा नहीं आता। इफ़ आप दलिया बराबर से बनाना है ना तो आपको अच्छी तरीके से उसको पकाना पड़ेगा। इफ़ आपको पकाओगे नहीं तो वो प्रॉपरली नरम नहीं होगा, फिर कड़क कड़क होगा, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा। इसके लिए मैं जो जो स्टेप बता रहा हूँ वो स्टेप फॉलो करोगे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको थोड़ा पहले घी डालना है, और जितना आपको दलिया चाहिए उतना दलिया उसमें डाल देना है, और अच्छी तरीके से मिक्स होना है देना है जब तक नरम नहीं होता है। फिर अब इसको हम थोड़ा देर पकने देंगे, 3 से 4 मिनट। उसके बाद हम डालेंगे इसमें दूध। दूध ज़्यादा नहीं डालना है, 250 ml डालना है। देखो मैं एकदम थोड़ा बना रहा हूँ, दूध 250 ml डाल दिया हूँ। ऊपर से लोग क्या करते हैं, दूध डालते हैं फिर उसके ऊपर दलिया डालते हैं, जिसकी वजह से पकता नहीं। पहले दलिया को पकाओ फिर ऊपर से दूध डालो, ये चीज़ पर फोकस करो, तभी आपका दलिया प्रॉपर और टेस्टी अच्छा बनेगा। ये देखो बहुत ईजी है, इसको आप मॉर्निंग में भी खा सकते हो, लंच में भी खा सकते हो, स्नैक्स में भी खा सकते हो, कोई इशू नहीं। इसको दूध और दलिया को अच्छी तरीके से एकदम पका देना। ये जब पकाओगे ना आप इसको खीर भी बना सकते हो, खीर जैसा आपको इसका फ्लेवर आएगा। मैं इसका आइसक्रीम भी बनाया हूँ दलिया का, बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी है। इफ़ मैं ऐसा दलिया का आइसक्रीम फिर से बनाऊँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसका नेक्स्ट टाइम ज़रूर उसका आइसक्रीम बनाऊँगा, किस तरीके से आइसक्रीम बनाते हैं। आपको देखते रहना है कि दूध अच्छी तरीके से लाल कलर हुआ है कि नहीं, क्योंकि दूध अच्छी तरीके से पकेगा नहीं ना तो उसका टेस्ट भी नहीं आएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। देखो ज़्यादा नहीं, आप उसको एक बार में ज़्यादा बना के क्वांटिटी में रख दिया करो फ्रिज में, फिर आपको अच्छे से टेस्ट देगा। मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि पूरा इसके लिए हर चीज़ करके दिखा रहा हूँ। देखो मैं 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से पकने दे रखा हूँ और हिलाते दे रहा हूँ, क्योंकि नीचे लगे नहीं, वो ऐसे नीचे लगे रहेगा तो फिर जल जाते हैं। अच्छी तरीके से उसको घुमाते रहना है और वो देखते रहना है वो पका या नहीं। मैं भी डाल रहा हूँ जैगरी, आप शक्कर भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास जैगरी नहीं है तो ही शक्कर डालना। जैगरी है, गुड़ है तो गुड़ ही डालो, गुड़ बहुत अच्छा है, फ्लेवर देगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और आपको ज़्यादा उसका शुगर भी नहीं लगेगा, और उसका जो न्यूट्रिशन है वो भी मिल जाएगा, क्योंकि शुगर में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, जैगरी में कम होते हैं। वो आपको वेट लॉस के लिए भी फिर आपको हेल्प करेगा जैगरी, और क्योंकि देखो ये इसके लिए अच्छा है वेट लॉस के लिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन अच्छा खाता होता है दलिया में, तो जिसकी वजह से कैलोरीज भी बहुत कम होती है, प्रोटीन मिलता है, कैलोरीज कम होगी तो आपका फैट लॉस भी अच्छा होगा। अब देखो मैं जैगरी को मिक्स कर रहा हूँ उसके अंदर, फाइनली ये मिक्स हो गया अच्छी तरीके से, देख सकते हो आप। ये बहुत ज़्यादा ईजी रेसिपी, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ दूध और आपको दलिया और उसमें जैगरी मिलाना है बस। ये आप थोड़ा ऊपर से काजू मिक्सअप के लिए टेस्ट के लिए, या बादाम
आप डाल सकते हो। आप देख सकते हो काजू मिक्स और बादाम मिक्स करके थोड़ा उसमें से डाल दिया ऊपर से, ये आपको डालना है डाल सकते हो, नहीं तो कोई इशू नहीं है। दलिया की रेसिपी बना लिया गाइस, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, इसमें बहुत इजी रेसिपी, आपको कुछ नहीं करना है। मैंने आपको देख सकते हो कितने इजी वे से बताया, लोग बहुत कुछ कुछ ये डाल करते हैं, लेकिन आपको एकदम इजी वे में ये बनाओगे बहुत ज्यादा इफेक्टिव मिलेगा। आप प्रोटीन सोर्स देख सकते हो, आप कितना प्रोटीन सोर्स है इसका और उसमें कितनी कैलोरीज है आप देख सकते हो स्क्रीन पे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छा प्रोटीन सोर्स मिलता है इससे और बहुत ज्यादा हेल्दी है आपकी बॉडी के लिए भी और आपका वेट गेन करने में सबसे ज्यादा मदद करेगी। ये रेसिपी आपको कैसी लगी जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।